सलाम अलैकुम हाजरीन ए मजलिस। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इमाम हुसैन और उनके साथियों का गम मनाने के लिए इतना फ्रीडम मैसर किया है। आप सब ने पड़ोसी मुल्क की खबरें सुनी होंगी और देखा होगा कि वहाँ पे कितना जुल्म और कितनी वहशत है लोगों में। उसका जितना शुक्र करें कम है और अल्लाह से दुआ है कि वहाँ के लोगों को जल्द से जल्द सुकून मिले, जल्द से जल्द पीस मिले और अपने 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 घरों में वो लोग सेफ फील करें। अब पिछले सात दिनों से हम लोग मजलिस कर रहे हैं और अशराए मुहर्रम हमने गुड़गांव का इस साल काफी थोड़ा यूट्यूब की बदौलत थोड़ा सा एक्सपैंड करा, क्योंकि हमें कुछ लगा कि और लोग जो लोग नहीं कहीं जा पा रहे मजलिस में तो उनको भी इंक्लूड करें। तो इस साल माशाल्लाह हम लोगों का अशरा बेहतर यानी इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस और ज्यादा हुआ और अब आज 7 मुहर्रम है। यूजुअली ये तारीख हजरत कासिम की वफात से एसोसिएट की जाती है, हालांकि वफातें सब उसी दिन हुई है 10 मुहर्रम को, लेकिन आज हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का गम मनाने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। और इस मजलिस की शुरुआत करने के लिए मैं दावत देती हूँ इंसिया हुसैनी को कि वो कुरान पाक की तिलावत से इसका आगाज करें। इंसिया हाजरीन मजलिस को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى سورة بينة کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس کا مطلب ہے वाज़े दलील या द क्लियर एविडेंस, और ये मदनी सूरा है और 8 आयतों पे मुश्तमिल है. इसका तर्जुमा बयान करती हूँ. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और बे इंतहा रहीम है. अहले किताब में से जो काफिर हो गए हैं वो और मुशरिक अलहदा होने वाले नहीं थे जब तक के उनके पास कोई खुली हुई दलील ना आ जाती, यानी अल्लाह की तरफ से रसूल जो उनको पाक सहीफे पढ़कर सुनाता है.
जिनमें पुख्ता नविश्ते मौजूद हैं, और वो लोग जिनको किताब दी गई थी मुतफर्रिक नहीं हुए मगर बाद इसके कि उनके पास खुली दलील आ गई। हालांकि उनको कुछ और हुक्म नहीं दिया गया मगर ये कि अल्लाह की इबादत करें, खालिस बंदगी उसी की करें, अकायद बातिला से एक तरफ रहें, नमाज पढ़ें और जकात दें, और ये समझ लें कि ठीक ठीक दीन यही है। बेशक अहले किताब से जो काफिर हो गए वो और मुशरिक दोजख की आग में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। सारी मखलूक से बदतर यही लोग हैं। और बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए सारी मखलूक से बेहतर वही लोग हैं। उनका बदला उनके परवरदिगार के पास हमेशा रहने के बाग हैं जिनके नीचे नदियां बहती हैं, उनमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। अल्लाह उनसे राजी और वो उससे खुश होंगे। ये उसी के लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता रहा हो। सदक अल्लाह अलैहिल अजीम। सलावत शुक्रिया इंसिया और जजाक अल्लाह खैर। अल्लाह इसको कबूल करे। हम सबके दिलों की तमन्ना है कि हम सब ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाएं। और इसी सिलसिले में मैंने हम सब ने गुजारिश की है गुलनाज साहिबा से कि वो अपनी बहुत प्यारी आवाज में इस दुआ को हमारी तरफ से बारगाह इलाही में पेश करें। गुलनाज हुसैनी साहिबा जी शुक्रिया। इस दुआ से पहले जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं अल्लाह ताला से दस्त बस्ता दुआ गो हूँ कि हम में से जिसने भी खाने खुदा की ज्यारत नहीं की है उसको खुदा हज और उम्रे पे जाने के वसाइल जल्द अज जल्द मुहैया कर दे, आमीन। और अल्लाह हमको अपने घर बुलाए और खाने काबा मस्जिदुल हराम मस्जिदुल नबवी से फैजियाब होना नसीब करे। फिर हम सबको दीगर मुकद्दस मकामात खासकर करबला जाना नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। दुआ की कबूलियत के लिए एक दुरूद पढ़ दें। कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। कुछ उधर की तरफ से तो नहीं ब्लॉक्ड है? नहीं मोना, वो तुम खुद भी कर सकती हो। एक बार क्लिक करो स्टार्ट वीडियो पे। मैं कर रही हूँ उसके ऊपर ही, स्टार्ट वीडियो पे बार बार कर रही हूँ लेकिन वो कुछ मूवी नहीं कर रहा है। काले चाहते नहीं होंगे कि वहां से आए। ठीक है तो ऑफ करके ही मैं शुरू करती हूँ। या रब हक़ ज़हरा तौफीक ये अता हो मरने से पहले यारब दीदार करबला हो। यारब हक़ ज़हरा तौफीक ये अता हो मरने से पहले यारब दीदार करबला हो। जो अर्ज़ करबला है हर अर्ज़ से जुदा है, इस खाक करबला में शह का लहू मिला है, शह का लहू मिला है। हर ला दवा मरज की ये खाक ही दवा हो, मरने से पहले यारब दीदारे करबला हो। वो सर जमी जहाँ पर गूंजी अजान अकबर, तस्बीह आंसुओं की पढ़नी है उस जगह पर,
पढ़नी है उसे जगह पर, जो हैं जवान या रब उन पर तेरी अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। झाड़ा था जे जमी को बालों से फातिमा ने, सजदा वहां किया था मजलों में करबला ने, मजलों में करबला ने। जब मैं वहां पे जाऊं दिल दर्द से भरा हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। है वास्ता नबी का आसिम से गुलबदन का, अब्बास साफ शिकन का और नूर पंजतन का, और नूर पंजतन का। दुनिया और आखिरत में बहबूद और फला हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। असगर का वास्ता है बीमार करबला का, अब्बास के वफा का, जैनब की उस रिदा का, जैनब की उस रिदा का। जो है असीर या रब अब जल्द वो रिहा हो, मरने से पहले या रब दीदा करबला हो। खुशखबरी आप सुना दे सबके चमन खिला दे, आमीन। खुशखबरी अब सुना दे सबके चमन खिला दे, हो खत्म ना उम्मीदी मायूसियां मिटा दे, मायूसियां मिटा दे। सदके में पंजतन के मकबूल हर दुआ हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। या रब हक़ ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले या रब दीदारे करबला हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इलाही आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाले फरज। जज़ाकअल्लाह खैर गुलनाज, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से दुआ मांगी अल्लाह से, और अल्लाह से दुआ है कि वो कबूल करे इस दुआ को सबके लिए। लश्करों पे एक प्यासे की चढ़ाई देख ले, कुफार पे इस्लाम की जोर आजमाई देख ले। कह रही थी लोगों से रन में कासिम की वो जंग, सुलह देखी थी हसन की अब लड़ाई देख ले। सुलह देखी थी अब हसन की अब लड़ाई देख ले। हजरत कासिम की याद में अब अरीबा बतूल से गुजारिश है कि वो बारगाह आले बैत में सलाम पेश करें। अरीबा बतूल। अस्सलाम वालेकुम हाजिर मजलिस। वालेकुम अस्सलाम। एक गोक जली माँ का था मेरे पास, एक गोख जली बाका नहा था मेरे पास। पामाल हुए रन में,
वो चांद सा चेहरा फिर मादर को दिखा जाओ, वो चांद सा चेहरा फिर मादर को दिखा जाओ, आ जाओ तारे ये माँ सदका मेरे आसिम हो, नौहा था मेरे पास देखे तो जरा दुनिया किस्मत के तगैयुर को, देखे तो जरा दुनिया किस्मत के तगैयुर को, है शाह की दुल्हन रन में बेपर्दा मेरे कासिम को, खजली माता नौहा था मेरे कासिम, तुम खुद सिधारे और मुझको ना पजाई, तुम खुद सिधारे और मुझको ना पजाई, वीरान है बिन तेरे ये दुनिया मेरे पास, ओ खजली माता नौहा था मेरे पास, टुकड़े है बदन सारा और खून में सेहरा है, टुकड़े है बदन सारा और खून में सेहरा है, आता है यूं ही घर में क्या दूँ यहाँ मेरे पास को, खजली माता नौहा था मेरे पास, मादर की ज़ईफ़ी का तुम ही तो सहारा थे, मादर की ज़ईफ़ी का तुम ही तो सहारा थे, मारो रोती है अब गम में हर लम्हा मेरे पास, तो खजली माता नौहा था मेरे पास, उम्मत ने मोहम्मद की लूटा है चमन मेरा, उम्मत ने मोहम्मद की लूटा है चमन मेरा, अब खैमे जलाते हैं, अब खैमे जलाते हैं ये आदा मेरे पास को, खजली माता नौहा था मेरे पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
जजाकल्ला अरीबा, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने और बहुत पुरदर्द सलाम पेश किया, तो अल्लाह इसको कबूल करें। अब मैं गुजारिश करती हूँ निखत जहरा और उनकी बहन अजरा से, जी अजरा से, कि वो सलाम पेश करें बारगाह रब्बुल इज्जत। आई होप हमारी आवाज आ रही है आप सबको। मौला इसको कबूल करें। और अब मैं हमारी जाकिरा जो आसिमा ज़ैनब, इतने दिनों से हम लोगों के साथ, हम लोगों को एक बेहतरीन अंदाज से बता रही हैं रोल मॉडल्स ऑफ करबला, विमेन रोल मॉडल्स ऑफ करबला, और उससे हम लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी से सुना है। और सब लोग, हम आई एम श्योर आप सब अग्री करेंगे कि हम सब लोग काफ़ी इंतज़ार में रहते हैं अगली मजलिस सुनने का। तो मुझसे, मेरे पास कई फ़ोन भी आते हैं कि हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ रही हैं जाकिरा। तो अल्लाह इनको और ताकत दे, कुव्वत दे और कबूल करे हमारी इस दिन मजलिसों को और इनके इस एफर्ट को। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आसिमा ज़ैनब से कि वो मजलिस को खिताब करें। आसिमा, शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات اللهم صل على محمد. پہلے تو آپ سب کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لوگوں نے اتنی حوصلہ افزائی کی اور اتنی محبت کا اظہار کیا. اور کسی بھی پڑھنے والے, کسی بھی ذاکر کے لیے یہ الفاظ بہت ہی حوصلہ بخش ہوتے ہیں کہ اس کی بات کو لوگ غور سے سن رہے ہیں اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اور یقیناً اصلی شکر کا مستحق صرف اور صرف خدا بند کریم ہے جس نے موقع بھی دیا, سعادت بھی دی, اور جو الفاظ بھی زبان پر میرے جاری ہو سکے وہ صرف اور صرف خدا بند کریم کی مدد ہے. اور اس کی ہی مدد ہے کہ کچھ بھی, جو کچھ بھی ہم کر سکے یا ہم میں سے جو بھی کوئی کچھ کر سکا وہ صرف اور صرف خدا بند کریم کی مدد ہے کہ انسان کر پاتا ہے, ورنہ خود انسان کی نہ تو کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اوقات ہے کہ وہ کر سکے. اور یقیناً میں بے انتہا حقیر ہوں اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے, لیکن اس نے یقیناً مجھے موقع دیا کہ میں ذکر اہل بیت کروں, اور اس سے بڑھ کر کوئی شرف, کوئی سعادت ہو نہیں سکتی جو اللہ نے مجھے نصیب کی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, قرآن مجید کا سورہ سورہ حجرات, جس کی آیت کا شرف, جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں, ہم نے تمہیں خلق کیا ایک مرد اور ایک عورت سے,
और उसके बाद शोबों और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जाओ, और अल्लाह के नज़दीक बुलंद वो है जो साहिब तकवा है। कल कुछ बातें ज़ैल में मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी और इंशाल्लाह उसी कंटिन्यूटी में इंशाल्लाह कुछ बातें और आपकी खिदमत में पेश करनी है। आज भी जिन दो हस्तियों का मैंने इंतखाब किया उसमें से एक हस्ती तो अहले बैत अतहार के खानवादे से इस तरह ताल्लुक रखती कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जौजा जनाब उम्मे फरवा हैं, और दूसरी शख्सियत इसी खानवादे की एक कनीज़ खास और इंतहाई अजीम हस्ती कि हम उनकी कनीज़ हो जाएं तो भला यानी हमारे लिए बायस फ़ख्र होगा, और वो हैं जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारी कि आज हम उनके पैरों की धूल बन जाएं तो भी हमारे लिए कहीं बुलंद बात होगी, चाहे कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी हमें हासिल हो सके। आज इन दो अशख़ास के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, और इसके अलावा कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसको कंप्लीट करके और उसका कुछ हिस्सा जनाब उम्मे फरवा के मुतालिक भी कनेक्शन में है, क्योंकि आप ज़ौजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं और आपके किरदार के हिसाब से भी चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना है। कल हमने जनाब उम्मे लैला और जनाब रबाब के तज़किरे से जब गुफ्तगू शुरू की तो हम इस पर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि एक चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, स्पाउस में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। एक क्योंकि देखिए हम में से हर इंसान इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है, एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता है, किसी को भी रोटी पीटती परेशान हाल जिंदगी नहीं चाहिए। हम सब एक हेल्दी और एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं और अल्लाह भी यही चाहता है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि हम एक परेशान हाल जिंदगी गुजारें या हम तकलीफों में रहें या हम अजियतों में रहें, अल्लाह भी हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता है। इसीलिए जरूरी है कि स्पाउस जो है वो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिसमें से हमने रिस्पेक्ट के बारे में, वफादारी के बारे में, इज्जत के बारे में सब गुफ्तगू की थी, जिसमें से एक दो चीजें हैं जिस पर मैं और री इन्फोर्स करना चाहती हूँ और उसको और ज्यादा यानी उससे री इन्फोर्समेंट के साथ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि जैसे कि आज के दौर में हम देखते हैं सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि ओवरऑल इंसानों का टॉलरेंस लेवल काफी कम हो गया है, इंसान में बर्दाश्त और पेशेंस जो है अब कम हो गया है, और भले ही कहीं निकालने का मौका मिलता हो ना मिलता हो लेकिन हम सोशल मीडिया पे जरूर देख लेते हैं कि लोग किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, एक से एक हसीन डीपी लगे होते हैं, एक से एक खूबसूरत डिस्प्ले पिक्चर लगी होती है, लेकिन जब आप कमेंट्स पढ़िए तो जबान ऐसी इस्तेमाल होती है कि वो चेहरे के बिल्कुल बरक्स होती है, यानी टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका है लोगों का। और यही चीज हम रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं कि अगर रिलेशनशिप्स में टॉलरेंस नहीं पाई जाती, बर्दाश्त नहीं पाई जाती एक दूसरे के लिए, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो दो इंडिविजुअल जो अलग अलग घरानों से ताल्लुक रखते हैं, फिर दोनों का जेंडर भी अलग है, यानी मर्द और औरत दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है, दोनों के एहसासात में फर्क पाया जाता है, दोनों के ख्यालात में फर्क पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जब ये दो लोग इकट्ठा रहेंगे तो एक दूसरे से नाइत्तफाकी तो जरूर पैदा होगी, एक दूसरे से नाचाकी जरूर पैदा होगी, लेकिन उस सिचुएशन में भी इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि मौला कायनात ये इरशाद फरमाते हैं, ये मर्दों के लिए कहा है कि खास तौर से जब औरत को घर में लाते हैं तो ये समझते हैं कि अब ये घर की सारी जिम्मेदारी इस औरत के ऊपर हो गई, अब खाना भी पकाए, अब बर्तन भी धोए और सारे, तो बीवी लेकर आ रहे हैं कामवाली लेकर नहीं आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि एक औरत अपनी खुशी से अपनी मर्जी से आपके घर को घर समझ के वो हर घर के काम को अंजाम देती है, लेकिन आप किसी भी आलम दीन से इस बात को पूछ लीजिए ये उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो झाड़ू दे, वो पोछा लगाए, वो बर्तन धोए, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन ये कहा गया है कि बेहतर है कि तुम ये जिम्मेदारियां उठाओ, क्यों? इससे कि मोहब्बत पैदा होगी। आप
शौहर की जिम्मेदारियां उठाएं, शौहर आपकी जिम्मेदारी उठाए, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, तो क्या होगा, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, आपस में खुलूस पैदा होगा। इमाम फरमाते हैं कि औरत एक फूल की तरह है, वो कोई गुलाम नहीं है, तुम्हारी सर्वेंट नहीं है, उसके साथ कोऑपरेट करो, उसकी मदद करो हर सिचुएशन में, ताकि तुम्हारी जिंदगी आसानी से गुजरे। औरत को गुलाम समझकर, औरत को कनीज समझकर, जो कि आजकल आप पड़ोसी मुल्क के हालात देख रहे हैं और आपको अंदाजा होगा कि जो एक खुसूसी सुलूक औरतों के साथ किया जा रहा है, जो कि यूं अगर मैं कहूं कि सौतेला सुलूक औरतों के साथ किया जा रहा है, कि अभी मैंने एक इसी मैं कोशिश करती हूँ ना भी देखूं, क्योंकि दिल को बहुत अजियत होती है, बहुत तकलीफ होती है देख के, और सिचुएशन ऐसी है कि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय दुआ के। तो औरतें अपनी डिग्रीज जला रही हैं ताकि जब उनके घर पे कोई सर्च हो तो ये ना पता चले कि वो किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं, या वो पढ़ने जाती थी, या वो कोई जॉब कर रही थी, या वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुकी हैं, तो इस तरह की कोई चीज उनके डॉक्यूमेंट से पता ना चले। इस तरह की सिचुएशंस का आना क्या इस्लाम ये सिखाता है? कहां रसूल खुदा ने ये फरमाया? मुझे, मैं इतनी जाहिल हूं, मैंने कोई इतनी किताबें नहीं पढ़ी, मेरे पास इल्म नहीं है, लेकिन मेरे इस महदूद इल्म के साथ भी मैं रसूल खुदा के किरदार को इतना पहचान सकती हूं कि मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो इस्लाम पेश किया जा रहा है ये इस्लाम नहीं है, रसूल खुदा ने ये इस्लाम पेश नहीं किया, अइमे ताहिरीन ये इस्लाम प्रोपगेट नहीं करते थे, ये तो कुछ और ही पेश किया जा रहा है, ये तो कुछ और ही सामने नजर के आ रहा है। औरतें सिर्फ बोर्चे खाने के लिए बनी है ये कहने की बात है? अल्लाह ने मर्द और औरत को, कुरान कह रहा है, कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं सकते, इसीलिए देखिए कितना जरूरी है कि हम जो काम करें वो समझ के करें, अक्ल और फिक्र की रोशनी में करें, गौर करें कि जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, अल्लाह ने कहा क्या है, हम समझ, और कुरान को आइसोलेशन में समझना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। कुरान की कुछ आयात ऐसी हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट है, जो आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, कुछ अहकाम ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट है, जो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसके लिए आपको बहुत थरो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इंसान खुद से उसको समझ नहीं सकता, इसीलिए जरूरत है कि अहले बैत उन आयात की तशरीह फरमाए अपनी जिंदगी के जरिए, ताकि हमको मालूम हो सके कि इन आयात पे अमल किस तरह करना है और जिंदगी किस तरह गुजारनी है। आप औरत पे हाथ उठाने की बात कर रहे हैं, औरत को मारने की बात कर रहे हैं, इस मौला फरमा रहे हैं औरत तो एक फूल की तरह है, उसको कोई तकलीफ मत दो, उसको कोई अजियत मत दो। फिर उसके बाद आप देखें कि इतनी ये भी कहा गया है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है आपस में एक दूसरे को टाइम दें, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ। रसूल खुदा के कॉल से, यानी मैं कोट अनकोट करके बता रही हूं कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब एक फैमिली साथ में दस्तरखान बिछा कर बैठती है और खाना खाती है, शौहर भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सब पूरी एंटायर फैमिली बैठी हुई है और साथ में खाना खा रही है, गुफ्तगू कर रही है, खुदा को ये नजारा इंतहाई पसंद है। और जब बंदे खुश खुश मोहब्बत के साथ खाना खाकर जब उठते हैं, खुदा उनके गुनाहों को माफ कर देता है। अब सोचिए, हम अपनी ही फैमिली के साथ मोहब्बत के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर देता है। कितनी छोटी छोटी चीजों पे अल्लाह माफ कर देता है, कितनी छोटी छोटी बातों पे, यानी अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना कि खुदावंद करीम ही समझ सकता है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, अगर हम अपने स्पाउस को के इल बिहेवियर्स को बर्दाश्त करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी का शौहर जो है बदमिजाज है, इल मैनर्ड है, और वो बर्दाश्त करती है औरत और सब्र करती है, जैसे उस दिन मैंने आपको एक वाकया भी बताया था कि बहुत गुस्सेवर शौहर थे लेकिन बर्दाश्त करती थी वाइफ। अब गुस्से का ये मतलब यहाँ पर नहीं है कि खुदा ना खास्ता दूर पर दुश्मन डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, कि अगर शौहर हाथ उठाता है, मारता है, पीटता है या इस तरह की कोई चीज करता है तो ये
काबिल बर्दाश्त बात नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ये इंतहाई गलत है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि मर्द औरत पर हाथ उठाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जिस्मानी ताकत में उससे ज्यादा है, इसलिए उसको जदोकोब करे, उसको मारे, उसके ऊपर हाथ उठाए, इस चीज की इस्लाम में इजाजत नहीं है। और अगर निशान आ जाता है, अगर वो हाथ उठाए और निशान आ जाता है किसी किस्म का, तो इंतहाई कफारे हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि औरत पे हाथ उठा दे। मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो ये है कि छोटे छोटे जो इंसान के मिजाज के और बिहेवियर की चीजें होती हैं, कोई चिड़चिड़ा बहुत जल्दी जाता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई सामान जगह पे नहीं रखता है, मैनर्स नहीं है ठीक। जैसे मेरे जान मैंने एक कपल को देखा था कभी अपने बचपन में, तो उनके शौहर जब खाना खाते थे तो खाना खाने में आवाज बहुत आती थी, यानी निवाले चबाने में आवाज आती थी। अब जाहिर सी बात है कि वाइफ को ये बात इंतहाई अजियत देती थी क्योंकि ये अच्छे मैनर्स नहीं है, लेकिन वो इसको बर्दाश्त करती थी, सब्र करती थी इसके ऊपर। तो इस तरह जब इंसान किसी बैड बिहेवियर के ऊपर या इल मैनर के ऊपर बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, तो ऐसी औरत को अल्लाह कब्र के अजाब से आसानी देगा, उसको जनाब फातिमा के साथ महशूर किया जाएगा और हजार शुहदा का सवाब मिलेगा। और अगर कोई मर्द अपनी बीवी के बैड बिहेवियर्स को बर्दाश्त करता है तो उसको हजरत अय्यूब के सब्र का सवाब मिलेगा। जब जब वो अपनी वाइफ के बुरे बिहेवियर को बर्दाश्त करता है उसको हजरत अय्यूब के सब्र का यानी कि जो सवाब होता है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फरमाएगा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये कल की गुफ्तगू खत्म और आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो है लाइफ का वो ये है कि स्पाउस सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करें। जिस वक्त इंसान शादी करने के लिए आगे बढ़ता है, चाहे माँ बाप ढूंढ रहे हो रिश्ता, चाहे इंसान खुद अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा हो, स्पाउस सिलेक्शन में माल और दौलत, सूरत और शक्ल को, पोजीशन को, पावर को अहमियत ना देते हुए इंसान अखलाक को, किरदार को, फैमिली को, दीन को अहमियत दे। ये ना देखे, मौला ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करो जो दीनदार है, अगर वो उससे राजी नहीं होगा, उसको पसंद नहीं करेगा, तो भी वो उसे तकलीफ नहीं देगा क्योंकि वो दीनदार है, तो खौफ खुदा उसकी नजर में होगा कि अगर मैंने इसे अजियत दी तो ये बंदा खुदा है, अगर मैंने इसे तकलीफ पहुंचाई तो मुझे खुदा को जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर हम मर्द ढूंढ रहे हैं, शौहर ढूंढा जा रहा है, तो शौहर में भी दीनदारी। अब ये कहने का ये मतलब नहीं कि इंसान ये देखे ही ना कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या ये देखे ही ना कि उसकी सूरत और शक्ल कैसी है, कहने का ये मतलब नहीं, लेकिन उसको सिर्फ उसी चीज को मेयार ना बना ले कि दीन नहीं है तो चलेगा, नमाजी नहीं है चलेगा, झूठ बोलता है चलेगा, लेकिन भाई सूरत बहुत अच्छी है और पैसा बहुत ज्यादा है, चाहे अब शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, जैसा भी हो, लेकिन क्योंकि सूरत बहुत अच्छी है और पैसा बहुत ज्यादा है और स्टेटस बहुत अच्छा है तो हम शादी कर देंगे। नहीं, इसके बरक्स कोई इंसान कम हैसियत का है, स्टेटस कम है उसका, माल कम है, पावर और पोजीशन कम है उसके पास, लेकिन वो दीनदार है, बा अखलाक है, किरदार है, तो अपनी बेटी को ऐसे शख्स के हवाले कर दें, ना कि उस दूसरे शख्स के हवाले। इसी तरह जब अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाएं तो ये ना देखें कि रंग गोरा है कि काला है, ये ना देखें कि बाल कितने बड़े हैं, ये ना देखें कि कद कितना बड़ा है, ये ना देखें कि कितनी हसीन और जमील है और किस बड़े बाप की बेटी है, बल्कि ये देखें कि वो किरदार उसका कैसा है, वो नमाज की पाबंद है कि नहीं है, उसने तालीम हासिल की है कि नहीं है, एजुकेशन में वो कहाँ स्टैंड करती है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखें। क्यों? इसलिए कि कल को आपके आने वाली नस्ल उसकी आगोश में परवान चढ़ने वाली है, और एक बच्चे की पहली दर्सगाह उसकी माँ की आगोश होती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जब एक मर्द एजुकेटेड होता है तो वो खुद अपने आप में एक फर्द एजुकेटेड होता है, लेकिन जब एक लड़की एजुकेटेड होती है तो एक पूरा खानदान एजुकेटेड होता है। इसलिए शादी के वक्त का जो क्राइटेरिया है उसको सुधारने की कोशिश करें।
बहुत माजरत के साथ, आज भी हमारे यहाँ शादी के लिए जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही गलत है और घर घर जाके लड़कियों को देखना, उसके बाद उनकी सूरत के ऊपर, उनके रंग के ऊपर, उनके कद के ऊपर उनको रिजेक्ट कर देना, ये सिर्फ उस लड़की की बेइज्जती और बेहुरमती नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की यानी कि ना वो है, अल्लाह की बुराई करना है कि अल्लाह ने किसी को छोटे कद का बना दिया। अल्लाह ने भाई रंग तो उसको अल्लाह ने दिया ना, अगर काले रंग की है, अगर कद कम है तो अल्लाह ने उसका कद छोटा बनाया है ना, वो खुद से तो उसने नहीं बनाया। तो ये सारे एतराजात खुदा के ऊपर हो जाते हैं, ना कि उस बंदे के ऊपर। इसलिए अपने समाज से जहां तक हो सके हम इन चीजों को हटाएं, ताकि ये समाज एक बेहतर और एक खूबसूरत समाज बन सके। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ा दिया। अब आज हमें जिक्र करना है जनाब फिज़ा और जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा का। जैसा कि हम कह चुके कि पहले भी कि अल्लाह की यहाँ जो तकवा है वो मेयारे बुलंदी है। हालांकि अरब जो थे वो खुद को बुलंद समझते थे, खुद को बोलने वाला और सारी दुनिया को गूंगा समझते थे। गुलामी का जो उनके यहाँ दौरे दौरा था, हर तरह की बुराइयां, हर तरह के बुत परस्ती वो करते थे, शराब वो पीते थे, जुआ वो खेल, कौन सी बुराई थी जो उनके पास नहीं पाई जाती थी। उसके बावजूद भी तुर्रे इम्तियाज उन्हीं का था कि वो बहुत बुलंद है, वो बहुत ऊंचे हैं, उनकी नस्ल यानी खुद को बुलंद समझना। ऐसे समाज में रसूल खुदा तशरीफ लाए और उसके बाद आपके गुजरने के बाद अभी 50 साल नहीं गुजरे कि किस तरह का इनकलाब आ गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में इस तरीके से अपनी कुर्बानी पेश करनी पड़ी। और इस कुर्बानी में इन ख्वातीन ने बेपनाह सपोर्ट दिया, जिसमें से सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज जनाब फिज़ा का। जनाब फिज़ा को रसूल खुदा, जनाब फिज़ा जब रसूल खुदा के पास लाई गई माल गनीमत की हैसियत से, उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा के पास आई और उसके बाद सारी जिंदगी आपने इस खानवादे के साथ ही गुजार दिया, फिर कहीं किसी दर किसी घर में नहीं जा पाई। और ये खसूसियत है इस घर की कि जो कनीज जो गुलाम इस दरवाजे पर आ जाता है फिर वो इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो इनके साथ रहना चाहता है। और जनाब फातिमा का जो सलूक था जनाब जनाब फिज़ा के साथ, वो इस बात का सबूत है कि जनाब फिज़ा के दिल में मोहब्बत कैसे ना पैदा होती। कि जब एक दिन का घर का काम जनाब फातिमा खुद करती थी और एक दिन जनाब फिज़ा करती थी, तो जनाब फिज़ा को ये शरफ हासिल है कि जनाब फातिमा के हाथ की पक्की हुई रोटी खाई है, जनाब फातिमा ने उनके बर्तन अपने हाथ से धोए हैं, उनके कपड़े को उनके लिबास को जनाब फातिमा ने धोया है। यानी इतनी बड़ी सआदत, इतना बड़ा शरफ हासिल होना आसान बात नहीं है। लेकिन आप देखें कि जनाब फिज़ा ने भी अपनी वफादारी को पूरी तरह से निभाया, न सिर्फ ये कि इस खानदान के साथ रही बल्कि इल्म के बहुत बड़े मकाम पर पहुंची। आपने एक अरसे तक जब आप गुफ्तगू करती थी तो कुरान से जवाब देती, कोई भी बात कही जाती थी तो कुरान से उसका जवाब देती थी। कितनी मुश्किल बात है कि कुरान पे इस तरीके से कमांड होना और आयात पर इस तरीके से कमांड होना कि ये पूछा जाए खाना पक गया और हम कुरान से जवाब दे दें, मतलब ये नहीं हद है इंसान के इल्म की और इंतहा। अगर जनाब फिज़ा इस मकाम तक पहुंच गई तो तसव्वुर कीजिए कि जनाब ज़ैनब किस मकाम पर होंगी और उनका इल्म कुरान किस मकाम पर होगा। और उसके बाद जनाब फातिमा के साथ रही, इमाम हसन का दौर आया, इमाम हुसैन का दौर आया, उसके बाद जब इमाम हुसैन करबला के लिए रवाना हुए तो उम्र के जिस हिस्से में इंसान सुकून से अपने घर में बैठना चाहता है और किसी किस्म की तकलीफ और परेशानी का शिकार नहीं होना चाहता है, उस उम्र के हिस्से में जनाब फिज़ा ने करबला के सफर को इख्तियार किया, इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में आई। और तसव्वुर कीजिए कि आपकी ज़ईफ़ी का आलम है, एक उम्र गुजार चुकी हैं आप इस खानदान की खिदमत करते करते, और उसके बावजूद जितनी अजियतें इस खानदान ने उठाई उसमें सब में ये बराबर की शरीक रही। इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत, यही वजह है कि जब रुख्सत आखिर के लिए इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो आपने जब सबको सलाम किया तो खुसूसी सलाम
जनाब फिजा को किया कि मैं मेरे माँ की कनीज फिजा तुम पर भी हुसैन का सलाम हो, यानी इतनी अजमत जनाब फिजा की कि इमाम हुसैन रुखसत आखिर के लिए आते हैं तो जनाब फिजा को सलाम करते हैं। जनाब फिजा की एक खसूसियत यह है कि आप जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत याफ्ता हैं, आपकी जो भी तैयारी है, आपको जो प्रिपेयर किया है वो जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने किया है, इसलिए आपकी शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपने करबला के मैदान में इताअत इमाम की, आपने तौहीद के फलसफे को समझाया, जहां जहां मौका मिला आपने शहजादियों का दिफा किया, हर मौके पर आपने कोशिश की के चाहे कूफे का बाजार हो चाहे शाम का बाजार हो, जिस तरह से मुमकिन हो खानवादे रिसालत की जो खिदमत आपसे मुमकिन हुई वो आपने अंजाम दी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब फिजा का एक हल्का सा खाका आप समझिए कि करबला के मैदान में जो आपने रोल प्ले किया, आप देखें सबके साथ प्यासी रही, सबके साथ भूखी रही, जब कोड़े बरसाए गए तो आपके जिस्म पे भी कोड़े बरसाए गए, जब जब आप लोगों को सवार करके ले जाया गया और हाथ बांधे गए और पसे पुश्त तो आपके हाथ भी पसे पुश्त बांधे गए, और जाहिर सी बात है कि इस उम्र में जो अजियत आपको हुई होगी और जो तकलीफ हुई होगी उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब फिजा ने अहले बैत अतहार का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अगर हम जनाब फिजा की कनीजी भी कर सकें, हम उनके कदमों की धूल भी बन जाए तो ये हमारे लिए बायस शरफ होगा। जनाब फिजा से आगे बढ़ें और बस चंद मिनट मुझे और दीजिएगा, मैं बस बहुत कम अल्फाज में इंशाल्लाह जनाब उम्मे फरवा के बारे में बयान करके और अपनी बात को समेट दूंगी। जनाब उम्मे फरवा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जौजा हैं, जनाब कासिम जनाब हसन मुसन्ना की माँ है, और आप देखें कि आपने भी अजवाज इमाम हुसैन की तरह अपने शौहर से वफादारी, अपने शौहर से मोहब्बत, अपने शौहर के साथ एक खुलूस का जो रिश्ता था वो कायम रखा। जिस वक्त इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हुए, जिस आलम में रुखसत हुए, वो मंजर अपनी आंखों से देखा, इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट के लगन में गिर रहे थे और जौजा देख रही है, तसव्वुर कीजिए कि दिल का क्या आलम हुआ होगा। ये वो वक्त था कि जब जनाब कासिम की उम्र तकरीबन 2 या 3 साल के करीब थी कि इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप देखें कि उसके बाद भी आपने इस खानवादे के साथ रहकर सब्र की और सुकून की जिंदगी गुजारी। आपने इमाम हुसैन के जेर साया जो इमाम हसन के छोटे भाई हैं जिंदगी गुजारी और कभी भी कोई शिकायत का मौका किसी को नहीं दिया। कहीं तारीख में जनाब उम्मे फरवा के लिए ऐसे कोई अल्फाज नहीं मिलते कि जिससे ये मालूम हो कि आपने कोई नाजेबा माजल्ला या कोई ऐसी बात की हो जो कि उनके शरफ को घटाने वाली या कम करने वाली। एक अहम चीज ये होती है कि जैसे आप देखें कि जिस वक्त इमाम हसन की शहादत हुई, एक हंगामी हालात, एक तकलीफ का माहौल, लेकिन उसके बाद अपने सब्र को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। आप देखें कि जिंदगी में कभी लफ्ज शिकवा जबान पर ना आना, कभी शिकायत के हरूफ जबान पर ना आना, ये बहुत बड़ा कमाल था जनाब उम्मे फरवा का। जाहिर सी बात है इस घर में दौलत की फरावानी तो थी नहीं, ऐसा तो था नहीं कि बहुत आसाइशें थी, बहुत लग्जरीज थी लाइफ की, जिंदगी की जो आसानियां हम तसव्वुर करते हैं वो अहले बैत के घर में उस तरह की आसाइश और आसानियां नहीं पाई जाती थी, और जिसका शौहर भी मौजूद ना हो, आप तसव्वुर करें कि इमाम हसन की शहादत के 10 साल बाद वाकई करबला हुआ। इन 10 साल में जनाब फातिमा जनाब उम्मे फरवा ने कोई ऐसी बेसब्री नहीं दिखाई कि जिससे इमाम हसन की कुर्बानी पे हर्फ आता या उनके सब्र पर हर्फ आता कि मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं किसके सहारे जीऊं, अब मैं क्या करूं, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। नहीं, इस तरह की कोई बेसब्री जनाब उम्मे फरवा के लिए मुझे देखने को नहीं मिलती। और उसके बाद आपने इताअत इमाम हुसैन में जिंदगी गुजारी। जब ये काफिला चला तो आप साथ आई
और सिर्फ यही नहीं, जब रोजे आशूरा जनाब कासिम को इजाजत नहीं मिल रही थी तो इजाजत दिलाने वाली ये माँ थी। इससे वाजे हो जाता है कि जनाब उम्मे फरवा की निगाह में इमाम हुसैन की और इमाम हुसैन के मिशन की कितनी बड़ी अहमियत थी। और आप भी करबला की दीगर ख्वातीन की तरह इताते खुदा में और इताते उस इस्लाम में सर से पैर तक हमें लैस नजर आती हैं। और साथ ही साथ कैदोबंद की सख्तियों को आपने बर्दाश्त किया, प्यास की सख्तियों को बर्दाश्त किया, और उसके बाद जिस हालत में जनाब कासिम घर वापस आए हैं वो मंजर देखने के बाद इंसान के लिए जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन जनाब उम्मे फरवा ने उस तकलीफ को भी बर्दाश्त किया। इसीलिए अजादारों आज हम इकट्ठा हुए हैं कि जनाब उम्मे फरवा को उनके फर्जंद जनाब कासिम का पुरसा दें, और सिर्फ जनाब कासिम का नहीं बल्कि इमाम हसन का पुरसा दें। आप देखें, एक तरफ हजरत उम्मे फरवा जैसी इताअत गुजार, वफादार, मोहब्बत करने वाली साबिर खातून है, तो दूसरी तरफ जोदा बिनते अशअस है कि जिसने इमाम हसन को जहर दे दिया, पानी में जहर मिला दिया चंद दिरहम और दीनार के लिए। जनाबे उम्मे फरवा जिनके सर से वाली और वारिस का साया उठ चुका है, आप तसव्वुर करें कि इंसान के अगर सेल्फिश हो तो ये सोचे कि मेरा तो शौहर मौजूद नहीं है, ये बेटा भी शहीद हो गया तो कौन है जो मेरा ख्याल रखेगा, मेरी जिंदगी किसके सहारे गुजरेगी, कौन मेरी परवाह करेगा, कौन मेरा ख्याल करेगा। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन करबला की औरतों ने बता दिया कि दूसरे के बारे में और हक के बारे में सोचना किसे कहते हैं। सेल्फलेस होना सही माने में अगर हमें सीखना है तो हम करबला से सीख सकते हैं, चाहे वो करबला के मर्द हों चाहे वो करबला की औरतें हों। सेल्फलेस होकर अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, ये करबला की औरतों ने हमें सिखा दिया। बस अजादारान इमाम मजलूम, एक वो वक्त आया कि हजरत कासिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और चचा से मरने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन जनाब कासिम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। ऐ मेरे लाल, ए कासिम, तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दूं, तुम तो मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं। बहुत तलब की इजाजत लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। एक मरतबा जनाब कासिम खेमे में आकर खामोश होकर बैठ गए, सर झुका हुआ है और खामोश। जनाब उम्मे फरवा तशरीफ लाती है, कासिम क्या मुझे शर्मिंदा करोगे, ए कासिम क्या तुम कुर्बानी नहीं पेश करोगे। इरशाद फरमाते हैं, जनाब कासिम, ए मादरे गिरामी, मैं जितना भी चचा से इजाजत मांगता हूँ चचा मुझे इजाजत नहीं देते जंग में जाने। अब ये देखिए जनाब उम्मे फरवा की हक शिनासी, हक को पहचानना, हक के लिए कुर्बानी का जज्बा, कि क्या फरमाती है, मेरे लाल कासिम तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पर एक रोज एक तावीज बांधा था और कहा था, मेरे लाल जब भी कभी कोई सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोल के देख लेना। मेरे लाल अब इससे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा पड़ने वाला है, ए लाल उस तावीज को खोलो और देखो उस पे क्या लिखा हुआ है। जनाब कासिम खुश हो गए, जल्दी से तावीज खोला, तावीज जो खोला तो उसमें इमाम हसन की तहरीर नजर आई, लिखा हुआ था, ए मेरे लाल कासिम मैं तो करबला के मैदान में मौजूद नहीं होगा, मेरी तरफ से हुसैन के लिए जंग तुम करना, हुसैन पर जान कुर्बान कर देना, बस ये खत देखना था कि हजरत कासिम खुश हो गए और खुशी के आलम में दौड़ते हुए इमाम हुसैन की बारगाह में आए। बताइए भला दुनिया में कोई ऐसा भी होगा कि जिसे मरने की इजाजत मिले तो वो इस तरीके से खुश हो जाए और खुशी खुशी इमाम की बारगाह में आए। इमाम को खत दिया, इमाम ने जैसे ही वो खत हाथ में लिया भाई की तहरीर को पहचाना कि हाँ ये मेरे भाई हसन की तहरीर है, आंखों से आंसू जारी हुए।
इमाम ने पढ़ के कासिम को सीने से लगाया और चचा और भतीजे मिलके इतना रोए कि गश खा के गिर पड़े। मगर आए करबला में कोई न था कि कतरा पानी का चेहरे पे छिड़क देता ताकि उन्हें होश आ जाए। जब खुद से होश आया तो खड़े हुए इमाम हुसैन ने एक अजब अंदाज अपनाया। जनाब कासिम को इजाजत मिल गई, लेकिन आप जानते हैं कि जनाब कासिम करबला में कितने साल के थे? 13 साल का सिन था। 13 साल के बच्चे कहीं मैदान जंग में नहीं जाया करते, ना जनाब कासिम के जिस्म के लिए कोई आर्मर मौजूद था, ना कोई खोद मौजूद था, न सर पे पहनने के लिए खोद था, न जिस्म पे पहनने के लिए जिरह थी। तलवार जो आपके कमर में बांधी गई तो वो जमीन पे खत दे रही थी। इमाम हुसैन ने बेकसी और बेकसी के आलम में एक मरतबा आगे बढ़कर अमामे का सिरा खोल के जनाब कासिम का गले में लटका दिया और गरेबान चाक कर दिया। इसके बाद जनाब अब्बास ने गोद में उठा के कासिम को घोड़े पर सवार किया। जनाब कासिम घोड़े पर सवार हो गए। मैं कहूंगी, मौला ये अमामा क्यों खोल दिया, ये गरेबान क्यों चाक कर दिया? फरमाए, शायद मेरे आका कि तुम नहीं जानती, लेकिन अरब का दस्तूर ये है कि गरेबान चाक होना यतीमी की निशानी होती है। अगर मेरा भतीजा समझ कर रहम ना करे तो शायद यतीम हसन समझ कर ही रहम कर दे। औजादारो, जनाब कासिम मैदान में आए, बड़ी शुजात से जंग की, बड़ी शुजात से। 13 साल का बच्चा, फौज ये कह रही, पिसरे साद ये कह रहा है कि 13 साल के बच्चे को तुम काबू में नहीं कर पा रहे हो, 13 साल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। जनाब कासिम हमलों पे हमले कर रहे हैं। एक मरतबा आपके जूते का तस्मा खुल गया, जूते का बक्कल खुल गया। आप नीचे झुके के उसको बांध ले के इसी वक्त पीछे से तसव्वुर कीजिए कि कितने जालिम हैं कि 13 साल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और जब वो बच्चा मुतवज्जे नहीं है, जंग की तरफ मुतवज्जे नहीं, पीछे से आकर एक गुर्ज का वार किया, जनाब कासिम के सर पे गुर्ज लगा, घोड़े की पुश से जमीन पे तशरीफ लाए, आवाज थी, ए चचा मेरी मदद के लिए आइए। बस ये आवाज आना थी कि इमाम हुसैन बेकरार हो गए। और ये बेकरारी आपने किसी शहीद के लिए नहीं दिखाई जो बेकरारी जनाब कासिम के लिए थी। एक मरतबा आपने घोड़े को एड़ लगाई और चाहते थे कि कातिल कासिम को पकड़ ले और कत्ल कर दे, और दुश्मन की फौज की पूरी कोशिश ये थी कि जनाब कासिम के कातिल को बचा ले। इस हंगाम में वो कहता है, मुझे हुसैन से बचा लो, फौज चाहती है कि कातिल को बचा ले, हुसैन उसे पकड़ के कत्ल करना चाहते है। इस हंगाम में इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, जनाब कासिम नजर के आलम में घोड़े की टापों से जिंदगी में ही पामाल हो गए। जब इमाम हुसैन तशरीफ लाए जनाब कासिम की मुसला लाश के पास, एक मरतबा मरसिया पड़ा, ए मेरे लाल कासिम, चचा पे बहुत शाक है कि तुम चचा को मदद के लिए बुलाते रहे, मगर तुम्हारा चचा तुम्हारी मदद के लिए ना आ सका। तसव्वुर कीजिए कि अब्बास ये मंजर अपनी निगाहों से देख रहे हैं, किस आलम में दाश के टुकड़ों को जमा करके हुसैन लेकर आए हैं, माँ के सामने लाके रखा गया। अजब नहीं कि उम्मे फरवा ने कहा, ओ ए मेरे लाल कासिम, माँ तुम पे कुर्बान हो जाए, तुमने माँ की लाज रख ली, तुमने बाबा की शुजात का मज़ाहरा मैदान में कर दिया। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिल ज़ालिमीन, वसयअलमु अल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यन्क़लिबून। बारे इलाहा हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा लेना, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमाना। बारे इलाहा
जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता कर दे, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर दे। परवरदिगार आलम ये पैंडेमिक जो दुनिया में फैला हुआ है इसको नीस्त नाबूद कर दे और हमें तौफीक दे कि हम फिर से फर्श अज़ाए इमाम हुसैन को बिछा सकें और हम जिस तरह से जुलूस आए अज़ा को उठाते थे उस तरीके से उठा सकें। परवरदिगार आलम दुनिया में जहाँ जहाँ मजलूम है उनकी हिमायत फरमा, उनकी मुश्किलात को हल फरमा, इंसानियत की मदद फरमा। जहाँ जहाँ तेरे बंदे मुश्किलात का शिकार है उनकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। हमारे वक्त के इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में जो हाथ बुलंद हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा दे। हमारे मरहूमीन हाजरीन मजलिस बानियान मजलिस और तमाम मोमिन और मोमिनात के मरहूमीन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इस माह मुहर्रम का वास्ता, इस मजालिस का वास्ता, इस जिक्र का वास्ता कि उनके मरहूमीन के गुनाहान कबीरा और सगीरा को बख्श दे, उनके दरजात को बुलंद कर दे और जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा दे। बारे इलाहा तू वैसा ही रब है जैसा हम चाहते हैं, हमें वैसा बंदा बना दे जैसा तू चाहता है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। मातम के लिए शहनाज हसन साहिबा ने अपने अल्फाज में जनाब कासिम को खिराज अकीदत पेश किया है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह लोहा पढ़ दें इसका और उसके बाद उनके बाद जो पढ़ने के लिए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ दें। समन नकवी साहिबा। हुसैन 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 को दुल्हन बनाओ देखो आती है कासिम की मेहंदी। आओ कुबरा को दुल्हन बनाओ देखो आती है कासिम की मेहंदी। मांग में थोड़ा संदल लगाओ देखो आती है कासिम की मेहंदी। आओ बाली सकीना तुम आओ नेग भाई से आकर के मांगो। नन्हे असगर को भी साथ लाओ देखो आती है कासिम की मेहंदी। आओ कुबरा को दुल्हन बनाओ रन से दूल्हा को लाए शहदी देखो आया है खून में नहाए। माँ को इसकी यहाँ से हटाओ देखो आती है कासिम की मेहंदी। आओ कुबरा को दुल्हन बनाओ घर में शादी के मातम बपा है दूल्हा खून में नहाया हुआ है। घर में शादी के मातम बपा है दूल्हा खून में नहाया हुआ है।
रणशाला है दुल्हन को पिन्हाओ, देखो आती है कासिम की मेहंदी, आओ कुबरा को दुल्हन बनाओ, मौला शहनाज की इल्तिजा है घर में मातम जो सबके बापा है, मौला शहनाज की इल्तिजा है घर में मातम जो सबके बापा है, सबको कासिम का सदका आता हो, देखो आती है कासिम की मेहंदी, आओ कुबरा को दुल्हन बनाओ, देखो आती है कासिम की मेहंदी। हुसैन 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 मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, अरमान माँ फूफी के अरमान माँ फूफी के आंसू बहा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, घोली गई थी मेहंदी बहनों के आंसुओं से, पानी न था मयसर हाय हाय कई दिनों से, सूखे हुए लबों के चेहरे बता रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, अब्बास ने सजाया अकबर ने सहरा बांधा, शादी के घर में यारा ये कैसा वक्त आया, बारात वाले सारे सर को कटा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, पोशाक है उरूसी नौशाह के बदन पर, लेकिन ये सुर्ख धब्बे कल थे किसी कफन पर, मंजर वो करबला में दोहराए जा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, रूहे हसन ने आकर कैसा ये हाल देखा, टुकड़ों में हाय कैसे खुद अपना लाल देखा, अपने जिगर के टुकड़े फिर याद आ रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं, बेवा जो हो गई है
इब्ने हसन की दुल्हन अशकों से शाह वाला अपना भिगो के दामन दुल्हन के सर पे मिसले चादर उड़ा रहे हैं मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं सज्जाद फर्श से उठकर एक एक से पूछते थे शादी के घर में सबके उतरे हुए है चेहरे क्या चीज रंग से बाबा दामन मिला रहे हैं मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं खुशबू है ना किया तक मौजूद है फजा में दुल्हन तो बेखबर है मसरूफ है दुआ में दामाद का जनाजा शब्बीर ला रहे हैं मेहंदी लगा के कासिम मख्तल में जा रहे हैं मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं अरमान माँ फूफी के अरमान माँ फूफी के आंसू बहा रहे हैं मेहंदी लगा के कासिम मख्तल को जा रहे हैं हुसैन 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 हुसैन